ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕೇತಿ ವಾಗ್ಗದಗದ ದ್ರವತೆ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಅಸತ್ಯ ಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ರುದತಿ ಕ್ವಚಿಚ್ ವಿಲಜ್ಜ ಉದ್ಗಾಯತಿ ನೃತ್ಯತಿ ಚ ಮದಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತೋ ಭುವನಂ ಪುನಾತಿ. ಮೇರಾ ಏಕ ಭಕ್ತ ತ್ರಿಭುವನ್ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ನಾಮದೇವ್ ಜೈಸಾ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಗಾತಾ ಹೈ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಭಜೋ ವಿಠಲ 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 ಮಾಝಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ. ಅರೆ ಆಜ ತಕ್ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ಆಜ ತಕ್ ಮೈ ತೋ ಕಹೀ ಪೆ ಭಿ ಜಾಊಂ ಕಿಸಿ ದಿನ ಗಾನಾ ಭೂಲ್ ಜಾಊಂ ತೋ ಅಗಲೇ ದಿನ ಕೋಯಿ ಲಿಖ್ ಕರ್ ಯಾದ ಕರಾ ದೇತಾ ಹೈ, ಇಸ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ನೆ ಗಾಯಾ ನಹೀ. ಸುಖ ಪಾಯಾ ಸುಖ ಪಾಯಾ ರಹಮ ತೇರಿ ಸುಖ ಪಾಯಾ ಮೆಹರ್ವಾನ ಮೆಹರ್ವಾನ ಸಾಹಿಬ್ ಮೇರಾ ಮೆಹರ್ವಾನ. ಏಕ ಬಾರ ಕಿ ಘಟನಾ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾಊಂ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ದೋ ಘಂಟೆ ಚರ್ಚಾ ಹುಯಿ ಮೇರಿ ಬಚ್ಚೋ ಸೇ, ಆರ್ ಜಬ್ ಮೇ ಜಾನೆ ಲಗಾ ತೋ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಉಠಕರ್ ಖಡೆ ಹುಯೆ ಕಿ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಆಪ್ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಕುಚ್ ಗಾಯಿಯೆ. ತೋ ಮೈನೆ ಕಹಾ ಆಪ್ ಹಿ ಬತಾಯಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಗಾಊಂ ಮುಜೆ. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. And I was astonished, I was surprised. Main aashcharya mein bhar gaya jab sabne mujhe kaha aap ek bar sukh paya ga dijiye. Maine unse sawal pucha, maine kaha maine 2 ghanta aapke sab prashno ka uttar diya hai, ek prashn main aapke liye chhode jata hu, aap mujhe kuch bhi gaane ke liye keh sakte the, aur main to bachchon ke beech mein bachcha hi ho jata hu, hona padta hai. To maine kaha aap mujhe kuch bhi gaane ko kehte to main aapke liye ga deta, आप फिल्म का गीत गाने को कहते मैं वो भी गुनगुना देता. आपने मुझे यही गाने के लिए क्यों कहा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, उत्तर मुझे ना दीजिएगा स्वयं को दीजिएगा, ना मिले क्योंकि थोड़ा कठिन प्रश्न हो सकता है आपके लिए, ना मिले तो मैं आपको संकेत दिए जाता हूं, क्योंकि आप कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, पर आपकी अंतरात्मा का सुख तो यही है, इसलिए आप मुझसे ये गाने के लिए कहते हैं. कुछ भी कहते मैं गाता. आज तक प्रकृति उत्सव मनाती है मेरे संतों के इन शब्दों का, क्योंकि उन्होंने बांटा है सुख पाकर, उस प्रसाद को बांटा और संकल्प किया कि यह प्रकृति इस प्रसाद को आने वाले काल में, आने वाले समय में जन जन के मन मन तक पहुंचाती रहे, और प्रकृति वो कार्य आज तक कर रही है. किसी से मैंने सुना, मुझसे आप सुनेंगे, आप गाएंगे कोई और सुनेगा, और ये प्रसाद की धारा बहती रहेगी अगर आप देना चाहें तो. और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक व्यासपीठ से एक बात कह रहा हूं कि यद्यपि मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, मुझ में कोई भी आधिकारिक योग्यता यद्यपि नहीं है, पर फिर भी व्यासपीठ की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से, आप सबके आशीर्वाद और शुभकामना से एक छोटा सा अपना आध्यात्मिक अनुभव मैं आपसे बांटूं कि केवल मेरी जिह्वा ने गाना शुरू किया था सुख पाया सुख पाया, केवल मेरी जिह्वा ने गाना शुरू किया था, शायद वो केवल एक संगीत लहरी रही होगी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, पर ये नानक के शब्दों का सुख बांटते बांटते आज मैं आपको कह सकता हूं कि जब मैं गाता हूं तो मेरी आत्मा भी ये सुख पाती है, ये केवल मेरी जिह्वा तक सीमित नहीं रहा. सुख पाया सुख पाया रह तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख ಜನ
नानक की हरदास, जन नानक की हरदास सदा। अगले दिन किसी ने लिख कर भेजा, बोले आप कल कह रहे थे आप फकीर हैं, लगते तो नहीं, बोले दिखते तो नहीं आप फकीर। मैंने कहा क्योंकि आप एक पक्ष देखते हैं इसीलिए मैं आपको फकीर नहीं लगता। बोले कैसे? मैंने कहा जिसके दरबार का फकीर हूं उसे भी देखा होता तो आपको लगता उसके दरबार का फकीर ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। सुख पाया, सुख पाया, रह तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया, सुख पाया, रह तेरी सुख पाया। मेहरबान, मेहरबान विकास करने का है। अभी आजकल एक और झंझट हुआ बाप, हम यहां कीर्तन शुरू करते हैं और आप लोग कृपा करी तुम्हारा काल मुखा ना बंद रखो। मेहरबान, मेहरबान कि आप एक शरीर हैं, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि वी ऑल आर चैनल्स, कुछ प्रसारित हो रहा है आपसे।
आप इस दुनिया में केवल दिखाई नहीं देते, महसूस भी किए जाते हैं। आप केवल दिखाई नहीं देते, आपके आभा मंडल से कुछ प्रसारित होता है यहां पर। आप मनुष्य हैं, अपनी श्रेष्ठता का बोध करिए। आप बांट सकते हैं, आप दे सकते हैं, आपसे प्रसन्नता का संचार हो सकता है। इन इन संतों का बांटा हुआ प्रसाद है, आज आप और मैं सुख पा रहे हैं। आपको नहीं लगता क्या, आपको नहीं लगता कि जो फल आप खाते हैं उसका पेड़ किसी ने लगाया था तो आपको फल मिलता है? क्या आपका मेरा एक नैसर्गिक कर्तव्य नहीं बनता कि किसी के लगाए वृक्ष का फल मैं खाता हूं, मैं भी एक वृक्ष लगा के जाऊं, कल आने वाला फल खाए, उसको छाया मिले? अपने अपने मंदिर की चौखट तक सीमित ना करिए भक्ति की भावना को। ये तो भाव का प्रवाह है जो जीव को बहाकर ले जाता है वहां जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, जहां जाने की बात आप करते हैं। जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, कन्हैया ले चले। पर जाने के लिए तैयारी है आपकी? क्षमा करना, नहीं भी करना तो चलेगा, पर आपके मेरे लिए आज मान लीजिए ये आयोजन है, आपके मेरे लिए आज भगवत चर्चा भी मनोरंजन का सा साधन हो गई ना। आइए, नाचिए, गाइए, खाइए, जाइए। इसीलिए मैं अपने यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखता हूं, कोई व्यवस्था नहीं है। केवल केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। केवल जब कोई पहली बार आता है आयोजन के लिए तो वो कहता है पहली बार आयोजन हो रहा है। मैंने कहा मुझे ये चिंता नहीं है कितने लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे ये महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखिएगा। मुझे चिंता नहीं है कितने लोग आएंगे, ये तो भाई संसार का रंगमंच है, कोई कोई भेद नहीं होता। मेरे सामने 50,000 लोग बैठकर सुनते हैं तो भी कोई भेद नहीं है। बड़ी बात यह कि जिस उद्देश्य के लिए आप और मैं आए हैं वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। हम भगवत चर्चा के लिए आए, भगवत चर्चा हुई कि नहीं, कोई विचार का प्रसाद हम ग्रहण कर पाए कि नहीं, भीतर की सोई चेतना जागी कि नहीं जागी, जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया। और संसार की भीड़ एकत्रित कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं बा। मैं तो कहता हूं आप थोड़े से सस्ते हो जाइए, छोड़ दीजिए जीवन में सिद्धांत, छोड़ दीजिए जीवन में परंपराएं, थोड़े से सस्ते हो जाइए, संसार की भीड़ एकत्रित हो जाएगी। थोड़ी सी भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर लेता है डुगडुगी बजा के, कौन बड़ी बात है इसमें। भगवत चर्चा में आना तो एक उद्देश्य है, ये आपकी मेरी सुप्त चेतना को जगाएगा, स्वय विवेक जगे इससे, आपको अपने जीवन के मूल्य का बोध हो। यू कैन अनटैप योर पोटेंशियल टोटली। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या कर सकते हैं आप, अपनी चेतना से सद्भाव का प्रसार कर सकते हैं। तो प्रथम भाव है ये जिसकी आचार्य लोग प्रतिष्ठा करते हैं, दास्य। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन, सबकी सेवा, तन से, मन से, साधन से, सबकी सेवा। योग्यता अर्जित करने के लिए जीवन मिला है, किस प्रकार हम भगवत प्राप्ति की योग्यता अर्जित कर लें, और सेवा ही वो विधि है। मुझसे किसी ने पूछा कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठहराव कब आता है? मैंने कहा जब जीवन में आनंद आता है, न सुख न दुख, क्योंकि आनंद न सुख है न दुख है, वो दोनों से बिलग कुछ है, वो दोनों से हटकर कुछ है। तो मैंने कहा जीवन में स्थिरता तब आती है जब जीवन में आनंद आता है। तो उसने पूछा जीवन में आनंद कब आता है? मैंने कहा जब जीवन में सेवा आती है। जब तक कर्म है तब तक कर्म का परिणाम आएगा, सुख या दुख, शुभ का सुख और अशुभ का दुख। जिस दिन जीवन का कर्म सेवा बनेगा उस दिन सेवा के प्रसाद से आनंद आएगा, जीवन में स्थिरता आएगी। और मैं फिर दोहराकर थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि सेवा के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, सेवा के लिए केवल सुंदर मन चाहिए। केवल सुंदर मन,
जो हो। अरे भगवान ने तो इतनी सुविधा दे दी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि क्या दे रहे हैं आप, ये महत्व की बात नहीं है, देना ये आपका कर्तव्य हो। आपका जीवन यज्ञ से खाली ना हो, आपके जीवन में नित्य यज्ञ हो। आप एक सभ्य समाज के लोग हैं, मेरा कर्तव्य था आपको ये कहना। आप लोग प्रयास करिए, कुछ भी मैला हो, लेकिन घर के मंदिर में कोई सांसारिक चेष्टा नहीं करते आप, क्योंकि वो घर का मंदिर है। इसीलिए आप प्रयास पूर्वक पवित्र रखते हैं उसे। उसी प्रकार व्यासपीठ इस समाज का मंदिर है। कहीं भी व्यापार करिए, पर कम से कम व्यासपीठ को दूर रखिए, इससे कम से कम इसे दूर रखिए। एक बार ऐसा हुआ, एक माता ने मुझसे पूछा कि मैंने किसी से सुना था कि एक बार जीवन में कथा कराना ही चाहिए। तो मैंने उस माता से कहा, उसने ये नहीं कहा हमसे ही कराना चाहिए। अगर ये कहा एक बार कराना चाहिए तो ये भी कहा होगा हमसे ही कराना चाहिए। और मैंने यहां से उत्तर दिया तो साहब बड़ा बवाल हुआ, क्यों कह दिया आपने ऐसा। एक वृद्ध माता मुझसे पूछती है कि महाराज मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक आयोजन करा सकूं, और किसी से मैंने ये सुना है कि जीवन में एक बार तो कथा कराना ही चाहिए, यदि मैं नहीं करा सकूं तो मैं क्या करूं, क्या उत्तर दूं मैं उस माँ को। मैंने कहा माँ गलत सुन लिया आपने, जीवन में एक बार कथा कराना चाहिए बिल्कुल गलत सुन लिया आपने, कहने वाले ने भी गलत कहा। जीवन में मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार भागवत की कथा करना चाहिए, इस गंगा में डुबकी जरूर लगाना चाहिए, इतना तो मैं आपसे कहूंगा। मैंने कहा मां पढ़ना जानती हो, तो कहने लगी हां। मैंने कहा बहुत सरल है, बाजार से डोंगरे बापा की भागवत की एक पोथी लेना, अपने बाल कृष्ण लाल के आगे घी का दीपक लगाना और एक बार भागवत की वो पोथी पढ़ लेना मां, तेरे जीवन का यज्ञ हो जाएगा। किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, संत की वाणी पर्याप्त है आपको वहां ले जाने के लिए। धर्म आपको दुर्बल नहीं बनाता, धर्म आपको भीरू नहीं बनाता, धर्म आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, धर्म आपका आपको प्रलोभन और झांसा देने के लिए भी नहीं है, धर्म आपका मनोरंजन करने के लिए भी नहीं है, धर्म आपको संसार से भगाने के लिए भी नहीं है। धर्म तो केवल जागृति देता है, चमत्कार नहीं दिखाता, समझदार जरूर बनाता है आपको, समझदार जरूर बनाता है आपका, विवेक जगाता है। भगवान गीता में कहते हैं कथयंतेश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। धर्म आपको विवेकवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। अरे आप जीते जागते मनुष्य हो, आपके और प्रभु के बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं आना चाहिए जो आपके और भगवान के मध्य में आए। क्षमा करना, गुरु भी आपके और भगवान के मध्य में द्वार बनता है, दीवार नहीं बनता। जो दीवार बने इसका अर्थ है कि आप गलत स्थान पर हैं। गुरु तो द्वार होता है जिससे होकर उस पार जाया जाता है। गुरु जीवन में आए आपका भगवत अनुराग प्रगाढ़ हो, गुरु जीवन में आए आपके जीवन में अनन्यता आए, आपके जीवन में एकाग्रता आए, आपके जीवन में सेवा का भाव सुदृढ़ हो, ये तो जीवन में गुरु के आने का लक्षण है। कहने का तात्पर्य ये है बाप, धर्म के स्वरूप को समझिए। धर्म जीवन शैली है। जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की, आधे अधूरे धार्मिक बनने का प्रयास ना करिए, अपनी भक्ति को केवल अपने मंदिर की सीमा में सीमित ना रखिए, पराधीन ना बनिए। धर्म आपको स्वतंत्र करने के लिए है। हम वेद की श्रुति कहती है, भगवती श्रुति कहती है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागे और प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं। कोई और योग्यता नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनी अदर एलिजिबिलिटी हियर, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स एनफ, मोर देन एनफ। आप जीते जागते मनुष्य हैं। अपनी अपनी योग्यता का, पात्रता का विस्तार करिए, विकास करिए, अपनी श्रेष्ठता का विकास करिए। आज से अभी से बांटना आरंभ करिए, दीजिए सुंदर भाव, दीजिए प्रसन्नता, दीजिए। अरे कुछ नहीं दे सकते, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप बड़ौदा में हैं, मुस्कुराते रहिए। एक जगह मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जो सदा मुस्कुराता है वही भक्त हो सकता है। मैंने कहा लिखने वाले ने उल्टा लिख दिया, जो सदा मुस्कुराता है वो भक्त नहीं हो सकता, जो भक्त होता है वही सदा मुस्कुराता रह सकता है। जिसके जिसके पास जीवन में श्री कृष्ण जैसा आधार हो
मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। जीवन जीने को देखो आधार तो चाहिए, मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, प्रभु के चरणों का आधार हो तो फिर जीवन उत्सव है। देन यू ऑल आर सेलिब्रिटीज, यू कैन सेलिब्रेट लाइफ। तो पहला भाव दास्य, दास्य स्थिर हो, दास्य स्थिर हो जाए और प्रभु चुन ले। अच्छा एक बात मैं यहां और निवेदन करूं, आप और मैं नहीं चुनते कि आपको आपको प्रभु से कौन सा संबंध बनाना, ये प्रभु चुनते हैं। तभी मेरे तुलसी बाबा ने कहा, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो दिखा। मानिए जो भावे, संबंध आपके जीवन में वही स्थिर होगा जो प्रभु आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये निर्णय भगवान के हाथ में। हाँ लेकिन एक बात है, पहले दास्य भाव स्थिर होता है। दास्य स्थिर हो जाए तो जैसे घर का आपका परिचारक बहुत पुराना हो जाए तो मित्र जैसा हो जाता है ना, कभी कभी वो आपको दिशा निर्देश देता है, बोले नहीं साहब ऐसे करिए। घर का परिचारक बड़ा पुराना विश्वास पात्र हो जाए ना तो वो सखा हो जाता है, अधिकारी हो जाता है, वो आप पर अधिकार हो जाता है, आपके हृदय पर उसका अधिकार होता है। ऐसी जब दास्य भाव स्थिर होता है जीवन में और यदि प्रभु आपको उस भाव से और आगे लेकर जाना चाहे तो फिर अगला भाव है सख्य, भगवान से मित्रता। और अगर सखा भाव क्या होता है, अगर आपको इसे समझना हो तो फिर हमारे पास सूरदास हैं, फिर हमारे पास कुंभन दास हैं, हमारे पास चतुर्भुज दास हैं, फिर हमारे पास नंद दास हैं, हमारे पास छीत स्वामी हैं, हमारे पास गोविंद स्वामी हैं, हमारे पास परमानंद दास हैं। यदि यदि सखा भाव क्या होता है यदि ये समझना हो तो, एक बार श्री सूरदास जी और श्री कृष्णदास जी परस्पर बैठे चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्णदास जी भी बड़ा सुंदर पद रचना करते थे और श्रीनाथ जी को रिझाते थे। फिर मैं आपको दोहरा दूं कि जो प्रभु से प्रेम करेगा भाई वो गाएगा, वो गाए बिना नहीं रहेगा और फिर गाता ही रहेगा, गुनगुनाता रहेगा। तो श्री सूरदास जी और कृष्णदास जी परस्पर बैठे थे, चर्चा हो रही थी। कृष्णदास जी अपना नवीन पद जो रचा था वो सुना रहे थे। सूरदास जी ने कहा, देखो कृष्णदास, ये पद तो हमारे अमुक पद से मिलता जुलता है, इस पद में हमारे पद की छाया पड़ती है, कोई ऐसा पद सुनाओ जिसमें हमारे पद की छाया ना हो। अब सूरदास जी के पद की छाया से दूर होकर पद रचना करना सरल कार्य तो है नहीं, क्योंकि वो तो सूर सागर हैं। तो कृष्णदास जी ने 1, 2, 4, 6, 10 पद सुनाए। सूरदास जी हर पद के बाद कहते, भाई इसमें तो अमुक पद की छाया है, इसमें अमुक पद की छाया है। अब कृष्णदास जी निराश हो गए, घर पहुंचे, आज तो नींद ही नहीं आई। श्री श्रीनाथ जी से मन ही मन विनती कर दी। प्रातः काल जब जगे तो तकिया के नीचे एक पद लिखा धरा था। बड़े प्रसन्न उठकर दौड़ कर गए सूरदास जी की कुटिया में, महाराज एक और पद सुनिए। सूरदास जी ने कहा, सुनाओ। श्री कृष्णदास जी ने पद गाया, गाते अत्यंत मधुर थे। कृष्णदास जी ने पद गाया, सूरदास जी सुनते रहे। पद समाप्त हुआ तो कहते, कृष्णदास ऐसा पद तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं लिख सकता, हम जानते हैं ये किसकी रचना है। अब कृष्णदास जी झेप गए क्योंकि रचना उनकी तो थी नहीं,
रचना तो रचने वाले की थी। उन्होंने कहा कि कृष्णदास, हम जानते हैं कि तुम्हारी रचना नहीं है। अब कृष्णदास जी बेचारे लौट गए। सूरदास जी ने उसी दिन से कीर्तन सेवा करना बंद कर दिया, नहीं गए कीर्तन सेवा में। अब ठाकुर जी हमारे श्रीनाथ जी ऐसे सूरदास जी का कीर्तन नहीं सुने तो उनको चैन नहीं पड़े। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, जब सूरदास जी नहीं गए तो ठाकुर जी को चल के जाना पड़ा। ये सख्य है, ये अद्भुत अधिकार है प्रभु के हृदय पर। हाँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जैसे बिना डॉक्टर बने किसी की चिकित्सा करना आरंभ नहीं कर देना चाहिए, ऐसे ही बिना योग्यता प्राप्त हो इन भावों का अपने जीवन में अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो हट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अधिकार प्राप्त है, अपने अधिकार के अनुरूप ही आचरण शोभा देता है। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुए, दूसरे दिन श्रीनाथ जी पहुंच गए। अब सूरदास जी तो देखे भी नहीं उनकी ओर। शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटें पे ध्यान न पावें। श्री ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं और श्री सूरदास जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। बड़ी मनुहार की श्री ठाकुर जी ने, सूरदास जी ने बिना ही देखे प्रभु की तरफ, बिना देखे, बिना मुख किए कहा, आपको भक्तों से पक्षपात करना शोभा देता है? कृष्णदास आपका बहुत सगा था जो हम दोनों की बात में आप पड़े और झट से उसको पद रचना करके दे दिया। श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई अब की बार हमसे त्रुटि हो गई, भूल हो गई, आज के पीछे कभी ऐसा नहीं होगा, एक बार हमें क्षमा कर दीजिए। बड़ी मनुहार करने के बाद श्री सूरदास जी माने, पर भक्त हृदय कुछ कुछ भिन्न होता है। जैसे ही माने, जैसे ही प्रसन्न हुए, तत्काल श्री कृष्णदास जी को बुलाया और कहा कि लाओ कृष्णदास, मिलकर एक बार यही पद गाते हैं, लाल जी का दिया हुआ प्रसाद है, आज तक भी संध्या के समय मंदिर में उसी पद का गान किया जाता है। आवत बने कान गोप बाल कर संग, नेचु की खुर रेणु शुरित अलकावली, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीस शोभित मत मूर चंद्रावली। आवत बने कान गोप बाल कन संग, नेचु की खुर रेणु क्षुरित अलकावली। आप जैसा संबंध प्रभु से बनाएंगे, प्रभु आपको ठीक वैसा ही उत्तर देंगे। किसी के लिए होंगे वो त्रिभुवन के पति, किसी के लिए होंगे वो त्रिलोकीनाथ, पर गोविंद स्वामी जब क्रीड़ा करते हैं श्रीनाथ जी के साथ, तो जैसे अमनिया का थाल से श्रीनाथ जी के लिए जाता है, वैसे ही अमनिया गोविंद स्वामी के लिए भी आता है। क्योंकि यदि श्रीनाथ जी पहले पा लेंगे तो फिर दोनों संग में क्रीड़ा करने के लिए कैसे जाएंगे। एक बार गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी का जामा पहन लिया। श्री गोसाई जी ने कहा, अरे गोविंदा तू तो बड़ो उद्यमी है गए, अरे तेने लाल जी को ही वस्त्र धारण कर लियो। उसने कहा, अरे बाबा आज मोए देख देखवे बारे आए और मोह पे पहनबे के ताई कछु हो ना, तो मैं लाल जी को बागा ना पहनतो तो मेरी सगाई मारी जाती, इनकी कौन सा सगाई मारी जा रही है। बोले हमारी तो सगाई मारी जाती। चेतना का उत्थान कहते हैं इसे, गुरुजनों की कृपा से। जैसे जैसे देहाध्यास छूटेगा, कल मैंने विराम के क्षणों में एक निवेदन किया था आपसे, संबंध के बिना आप और मैं जीवन धारण नहीं कर सकते। कल्पना करिए इस संसार में आपका कोई ना हो, कठिन हो जाएगा जीवन। संबंध के बिना जीवन की कल्पना कठिन है। संबंध ही मानवीय मन का अधिष्ठान है, आधार देता है मानव मन को। संकल्प विकल्प संबंध के अधिष्ठान से ही स्फुरित होते हैं जीवन में, और संबंध ही उलझाते ही हैं संसार में, और संबंध ही सुलझाता भी है। संबंध भगवदीय संबंध हो जाए तो दास्य के पश्चात, दास्य में जब भाव स्थिर होता है, उसके बाद और प्रगाढ़ होती है भावना, वो भावना है सख्य। श्री चतुर्भुज दास जी अपनी नित्य मानसी भावना में लाल जी के संग क्रीड़ा करने के लिए जाते थे। एक दिन माखन चोरी के लिए गए,
अब माखन चोरी करते करते चतुर्भुज दास जी को तो गोपी ने पकड़ लियो और कन्हैया बच के भाग गए। और भागो भी कैसे, मुख में भर लियो, मुख में भर ली छाछ, और जैसे ही गोपी ने पकड़ो तो गोपी के मुख पे दे दियो कुल्ला। अब कन्हैया तो गयो भाग, अब कन्हैया गयो भाग और हाथ में आए गए चतुर्भुज दास जी। अब तो गोपी ने लगाई बहुत मार, अब जैसा देवता वैसी पूजा। अब गोपी ने लगाई बहुत मार, अब चतुर्भुज दास जी जब बाहर आए बोले, भारे कन्हैया तेने तो खाई मलाई और मेरे हिस्से आई पिटाई। ठाकुर जी बोले, बोले सारे पिटेगो नहीं तो पहलवान कैसे बनेगो, पिटके ही तो पहलवान बनो जाए। माने आपको और मुझे भी कह रहे हैं ठाकुर जी, थोड़ा सा पिटना पड़ता है संसार में, ठोकर खानी पड़ती है। संसार में ठोकर ना मिले तो जीव कभी ठाकुर की ओर देखे ही नहीं। रचा है ऐसा उसने, इतना प्रलोभन है इस संसार में, इतना सुंदर संसार बनाया, ऐसे ऐसे संबंध सर्वस्व आप पर न्यौछावर करने का, स्वांग रचने वाले आपके संबंधी, तन मन को सुख देने वाली ये अद्भुत सुंदर मनोरम आकर्षित आकर्षण करने वाली वस्तुएं कहाँ सुध आए प्रभु की। जब तक ठोकर नहीं मिलती तब तक जीव ठाकुर की ओर नहीं देखता। मेरा कबीर कहता है, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। सुख में करे न कोए, दुख में सुमिरन सब करे। सुख का स्वभाव ऐसा है, संसार के सुख का उन्माद ऐसा है, भूल जाते हैं भगवान। बहुत सुख आए जीवन में तो समझ लेना ठाकुर जी रुष्ट हैं। अरे मैंने देखा है जीव की दुर्दशा, वृद्धावस्था है, चला नहीं जाता, सुनाई देता नहीं, ठीक से दिखाई पड़ता नहीं। मैं शायद कहाँ बनारस में कथा कह रहा था, कथा के अंतिम दिन वो जो लोग आयोजक लोग थे बोले, हमारी वृद्ध माताएं एक बार आपसे मिलना चाहती हैं। मैं शायद फर्स्ट फ्लोर पर रुका था, तो वो लोग बड़े परिश्रम से वृद्ध माता को मेरे पास में लेकर आए व्हील चेयर पर बैठा कर। वो माता मेरे पास में आई और बोली, महाराज बस इब तो मैंने एक आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा, हाँ बोलो। बोली, अब पोतारी बहू देख लूं मैं। मैंने मन में कहा, माता जी ये आशीर्वाद मुझसे तो बिल्कुल मत मांग, मेरे पास तो ये आशीर्वाद देने के लिए है ही नहीं। नामदेव जी के पास एक माता गई, बोली, महाराज जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इस रोको। नामदेव जी ने कहा, 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद आई, नामदेव जी ने कहा, बेटा मत खाया कर। बोली, ये यही कहना था तो 10 दिन पहले कहते। नामदेव जी ने कहा, 10 दिन पहले मैं ही बहुत खाता था, बिना अपनी योग्यता के आशीर्वाद नहीं दिया जाता। पहले दिन भी मैंने आपसे कहा था, यूं ना बांटते फिरिएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद देने से आपका पुण्य क्षीण होता है, देखिए आप में आशीर्वाद की योग्यता है कि नहीं। शुभकामना दीजिए सबको। आशीर्वाद तो अधिकारी लोग देते अच्छे लगते हैं, गुरुजन देते अच्छे लगते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद जीवन में फलीभूत और सफलीभूत भी होता है। तो मैंने कहा, माँ विवाह का आशीर्वाद तो मुझसे बिल्कुल न ले, क्योंकि मैं तो जिसे आशीर्वाद देता हूं तो होता भी नहीं होता। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? सख्य। तो अद्भुत अधिकार है श्री ठाकुर जी के हृदय पर, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, बिल्कुल ठीक प्रमाणित करते हैं श्री ठाकुर जी पदे पदे इस अपनी उक्ति को, कि जो जैसा मेरा भजन करता है मैं वैसा उसका उत्तर देता हूँ। हमारे गिरिराज जी में बाबा भजन करते थे, गोपाल जी की सेवा करते थे, वल्लभ कुल की रीति से सेवा करते थे, अपरस की सेवा थी, कुआं से जल खींचना, स्नान करना, फिर श्री ठाकुर जी की सेवा में जाना, राग भोग आदि की व्यवस्था बिल्कुल आचार्यों की बताई रीति के अनुसार करते थे, और जीवन भर गोपाल जी की ऐसे ही सेवा की। अब जब शरीर वृद्ध हो गया, धीरे धीरे अशक्त होने लगा, एक दिन श्री ठाकुर जी की सेवा की। अब सेवा की जाती है तो किसी दिन स्वीकार भी होती है, किसी दिन श्री ठाकुर जी उसे अंगीकार भी करते हैं। डोंगरे बापा कहते थे, जिस दिन बाल कृष्ण का श्रृंगार करते करते नेत्र भर जाएं और श्रृंगार के पश्चात दर्शन ना हो प्रभु का, उस दिन समझना आज लाला प्रसन्न है, आज लाला ने श्रृंगार की सेवा स्वीकार की है। जिस दिन दर्शन ना हो ठीक से, उस दिन
नेत्रों में भरे प्रेम जल के कारण आप न देख पाए अपने प्रभु के श्री विग्रह को, उस दिन समझेगा आज लाल जी प्रसन्न हैं। तो सेवा अंगीकार हुई, श्री ठाकुर जी को शैया पर रजाई ओढ़ाई, लोरी देकर सुनाया और बाबा निज मंदिर से बाहर आए। अब जैसे ही बाहर आए ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बोले बाबा ये देख खिड़की तो खुली रह गई, सीरो सीरो पवन आए रहे हो, मुझे तो जाड़ों से लग रहे हो, ने खिड़की लगा। अब निज मंदिर में कैसे जाएं बिना स्नान किए, शीत ऋतु। बाबा ने कुएं से जल निकाला, स्नान किया, फिर अपरस में होकर भीतर गए, खिड़की का किवाड़ लगाया, फिर बाहर आए। अभी बाहर आए ही थे, बोले बाबा ये बिल्ली को बच्चा बहुत उधम कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, ने क्या भगाए दे। अब बेचारे फिर स्नान किया, फिर भीतर गए, थोड़ा सा क्रोध भी आ गया, खींच गए बाबा, वृद्ध शरीर था, अशक्त शरीर, बिल्ली के बच्चे को भगाया, फिर बाहर आए। अभी प्रसाद पाने बैठे ही थे, बाबा देखिए रजाई सरक सरक जा रही है, मुझे जाड़ो लग रहे हो, लेकिन रजाई ठीक से ओढ़ा। अब तीसरी बार बाबा ने स्नान किया, खींच गए, भीतर गए, रजाई तो उढ़ाई, लेकिन रजाई उढ़ाते उढ़ाते कहने लगे, बोले लाला जब तेने रावण मार्यो, जब तेने कंस पछार्यो, तब ना तो बिल्ली आई न रजाई सरकी। बोले लाला सबरी लीला आज ही कर रहे हो वे, थोड़ा सा शिकायत भरे लहजे में कहा बाबा ने। बूढ़े बाबा, तीन बार स्नान कराया माघ का महीना, कुएं का ठंडा जल, बाबा का वृद्ध और अशक्त शरीर, पर हृदय लाल जी के प्रति भक्ति भावना से भरपूर। जैसे ही बाबा ने कहा, जैसे ही बाबा ने शिकायत की, और कभी कभी प्रभु को अपने भक्त का कोप, प्रणय कोप देखने में भी आनंद आता है। केवल इसीलिए लीला करते हैं श्री ठाकुर जी कि ब्रज देविन के प्रेम सो मीठी लागे गारी, उनकी गाली भी उन्हें प्रिय लगती है। और जैसे ही बाबा ने शिकायत की, जैसे ही बाबा ने उल्हाना दिया ये प्रेम भरा, कहते श्री ठाकुर जी साक्षात शैया पर उठकर बैठ गए, बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया, बोले देख बाबा जो तू मोए अपनो पुत्र माने, तू मोसे बस पिता की तरह ही बात कियो कर, ये सब बात मोए मत सुनावे कि मैंने रावण मार्यो कि मैंने कंस पछार्यो, मैं तो तेरो लाला हूं और तू मेरो बाबा है, मैं तो बस इतनी बात जानू, और तू भी बाबा इतनी बात अपने मन में रखे कर कि मैं तेरो पुत्र और तू मेरो पिता। तो जैसा भाव आप निवेदन करेंगे, भक्ति भावना जैसे आपकी प्रगाढ़ होगी, जिस दिशा में प्रभु ले जाना चाहेंगे, देखिए आचार्य तत्व एक है, गीता में भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियात, आचार्य तत्व एक है लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए, क्योंकि भिन्न भिन्न जीवों की रुचियां भिन्न भिन्न हैं। एक माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले दो पुत्र, पर उनकी रुचियां अलग होती हैं, उनके स्वभाव अलग होते हैं। ऐसे ही आप और मैं भी उसी एक के अंश हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेरी वृत्तियां अलग हैं, आपकी मेरी रुचियां अलग हैं। भिन्न भिन्न रुचियों के भिन्न भिन्न जीवों का पोषण करने के लिए एक ही आचार्य तत्व, एक ही गुरु तत्व, एक ही हित तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट होता है। वात्सल्य भाव की प्रतिष्ठा के लिए वो आचार्य तत्व आचार्य वल्लभ के रूप में प्रकट होता है, श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के रूप में उस परंपरा को सुदृढ़ करता है, उसे प्रकीर्तित करता है। दास्य का पोषण करने के लिए मैंने बताया गोस्वामी जी हैं, रैदास हैं, नानक हैं, कबीर हैं, ये दास्य भक्ति के आचार्य हैं। ये बताते हैं कैसे प्रभु की सेवा हो, दास होकर मस्तक झुकाकर सख्य के लिए फिर वल्लभ अपना सिद्धांत देते हैं कि कैसे यशोदा होकर और लालन को लाड़ लड़ाया जाए। जमुना जल मां केशर घोला, स्नान कराओ सांवरा, हलके हाथा बदन में पोछा, लाड़ लड़ाओ सांवरा। जमुना जल मां केशर घोला, स्नान कराओ सांवरा। फिर वल्लभ अपना सिद्धांत देते हैं कैसे कैसे वात्सल्य का पोषण किया जाए, कैसे सख्य का पोषण किया जाए। फिर चैतन्य प्रकट होते हैं, कृष्ण के विरहा में
कैसे उत्तप्त होकर ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियों में डोलती है एक गोपांगना, ये सिखाया चैतन्य ने अवतरित होकर, आविर्भूत होकर। इस भावना का पोषण, किसी को गोपी भाव से भजन करना हो तो वो चैतन्य के चरणों का अनुसरण करे, किसी को लाड़ लड़ाना हो अपनी गोद में बाल गोपाल को लेकर तो फिर वो श्री गोसाई जी से जाकर सीखे कैसे लड़ाया जाता है प्रभु को लाड़। और फिर किसी ने लाल जी की अहेतु की कृपा से श्री राधा के, श्री किशोरी जी के चारों चरणों की भक्ति करनी हो तो फिर प्रिया प्रीतम की वंशी अवतरित होती है श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में, और श्री प्रिया जी की निवृत्त निकुंज की सेवा का प्रकाश करते हैं। तो एक ही हित तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट हुआ है। ये बात प्रभु पर निर्भर करती है कि आपसे प्रभु कौन सा संबंध चाहते हैं, पर एक संबंध जो प्राणी मात्र से है प्रभु का, वो है स्वे सेवक और स्वामी का संबंध। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, आप कहते हैं भगवान से कोई भी संबंध जोड़ा जा सकता है, और आप कहते हैं कि सेवक और स्वामी का संबंध तो सभी का है प्रभु से, तो क्या भगवान को अपना सेवक भी बनाया जा सकता है? मैंने कहा, सेठ जी आपके यहां सेवक होंगे? बोले हाँ जी हैं। तो मैंने कहा, उनको वेतन भी देते होंगे आप? बोले महाराज, बिना वेतन के कहां सेवक ठहरता है। तो मैंने कहा, त्रिभुवन के पति को वेतन देने की योग्यता हो तो बनाइए सेवक, वो तो सेवक बन जाने के लिए भी तैयार, और बना है, एक बार थोड़ी बना है, हर युग में हर काल में। प्रेम के बस नृप सेवा की, आन भये हरि नाई हरे कृष्णा, आन भये हरि नाई। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई हरे कृष्णा, ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हरे कृष्णा, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई हरे रामा हरे रामा। दास्य में मर्यादा अधिक है, सख्य में थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे भावना उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होती है, ऐसे ऐसे प्रभु पर अधिकार बढ़ता चला जाता है। पर यहां मैं एक बात अवश्य निवेदन करके विराम की ओर बढ़ूं कि कोई भी भाव छोटा या बड़ा नहीं है। प्रभु की सेवा प्रभु की सेवा है। मंदिर में जो नाली साफ करता है वो भी सेवा करता है, और प्रभु को जो मुकुट धराता है वो भी सेवा करता है। सेवा सेवा है, सेवक सेवक होता है। इसलिए कोई भी जो भाव है वो कम या अधिक, श्रेष्ठ या हीन नहीं है। जो जैसा भाव धर के भजता है प्रभु, वहां उसको पूर्ण आनंद देते हैं। हाँ, लेकिन दास्य में थोड़ी मर्यादा अधिक है, सख्य में थोड़ी मर्यादा कम होती है, अधिकार अधिक है। फिर उसके बाद जो भाव आता है वो है वात्सल्य, और वात्सल्य के बाद है मधुर, और मधुर के बाद है फिर निवृत्त निकुंज में श्री राधा के चारों चरणों का कैंकर्य भाव। तो इन तीन भावों की चर्चा हम कल करेंगे। आज का ये भाव यहीं श्री युगल सरकार के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।